हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस वरुण किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिसमस स्पेशल प्लम केक। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आज हम इसे बिना अंडा बिना ओवन के बनाएंगे और हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स कैनबेरी स्पाइसेस का यूज़ किया है। ये बहुत ही टेस्टी है और डिलीशियस है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। बाउल में हम टूटी फ्रूटी डालेंगे। रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज सभी कलर्स की हमने टूटी फ्रूट ली हैं 3 टेबलस्पून। और हम क्रैनबेरीज डालेंगे, चॉप किए हुए कैशूज, चॉप किए हुए आलमंड्स, गोल्डन रेजेस, ब्लैक रेजेस। अब इसमें 1/2 कप ऑरेंज जूस डालेंगे। आप ऑरेंज जूस की जगह पे आप कोई भी जूस, टेट्रा पैक जूसेस आते हैं वो भी डाल सकते हैं, और नहीं तो ऑरेंज जूस डाल दीजिए। अगर जूस नहीं है तो आप वैसे भी आप डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम ढक के हम रख देंगे, या तो आप इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं या फिर इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। 2-3 मिनट के लिए हम इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। अब हमें कैरेमल बनाना है। कैरेमल बनाने के लिए हमें एक पैन लिया है। पैन में हमें 6 टेबल स्पून शुगर लिया है। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो रखना है क्योंकि वरना वो बर्न हो जाएगी। देखिए इस तरीके से हमें कैरेमल तैयार करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी भी हमें वार्म डालना है, थोड़ा गुनगुना पानी डालना है, एकदम ठंडा पानी नहीं डालना है। बस इस तरीके से जब इसका गोल्डन कलर आ जाएगा तो बस ये इस तरीके से हमारा कैरेमल तैयार हो जाएगा। गोल्डन कैरेमल सिर्फ तैयार है। अब हम इसको साइड कर देंगे और एक बाउल लेंगे। बाउल में हमें 1 कप दूध लिया है। ये भी हमने थोड़ा वार्म दूध लेना है, गुनगुना दूध लेना है। अब हम इसके अंदर कैरेमल डालेंगे। अभी हमने कैरेमल सिरप डाला मैं बनाया था, वही हमें इसके अंदर डालना है। और हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हो गया ना मिक्स। अब हम इसके अंदर 1/4 कप ऑयल लेंगे। हमने इसमें ऑयल यूज़ किया है। आप इसमें बटर भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। तीनों चीज़ में से ऑयल, बटर, घी, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको भी हम साइड कर देंगे। अब हम केक बेक करने के लिए सबसे पहले हम अपना अवन तैयार कर लेते हैं। अवन तैयार करने के लिए हमने एक बड़ा पतीला लिया है। इसमें हमने ये सॉल्ट डाला है। सॉल्ट ये मैं कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए इसका कलर इस तरीके से ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें एक जाली रख देंगे और अब इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे। अब ये गर्म हो रहा है जब तक हम अपनी केक टिन तैयार कर लेते हैं। अब हम केक टिन लेंगे। केक टिन में अच्छे से ऑयल लगा देंगे और एक बटर पेपर लेंगे। बटर पेपर को हमने गोल साइज में कट किया हुआ है, इसको भी हम इसमें लगा देंगे और ऊपर से ऑयल लगा देंगे, ब्रश कर देंगे ऑयल से। अब हम एक देखिए केक टिन हमारी तैयार। अब देखिए केक टिन तैयार हो चुकी है। अब हम केक बैटर तैयार करेंगे और एक बड़ा बाउल लेंगे। अब हम इसमें आटा डालेंगे। आटे को अच्छे से छान लेना है हमें। इसमें इस तरीके से हम इसको अच्छे से छान लेंगे। हमें सारी चीज़ों को एक एक करके हमें छान लेना है, जिससे क्या है उसकी एयर कॉपरेट हो जाती है, तो उससे केक हमारा अच्छा बाउंस होता है, अच्छा फूलता है, हमारा केक सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। 1/2 कप मैदा डालेंगे। अब हम इसमें इसको भी अच्छे से छान लेंगे और इसमें कोको पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून हमने कोको पाउडर लिया है और सॉल्ट 1/2 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इन सबको हम एक साथ छान लेंगे। अब इस तरीके से हमें सारी चीज़ों को हमें छान लेना है। देखिए हो गया, इस तरीके से हमने सबको छान लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। लौंग है, दालचीनी है, जिंजर पाउडर है, बस यही सब चीज़ें डालनी है हमें स्पाइसेस। अब इनको भी हम डाल लेंगे। आप चाहो तो ये स्पाइसेस डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें शुगर पाउडर डालें। 1/2 कप हमने शुगर पाउडर लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से छान लेंगे। और हम इसमें जायफल डालेंगे। 1 पिंच हमने जायफल ग्रेट करके डालेंगे, 1 पिंच के अकॉर्डिंग, बस इतना ही डालना है। आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। अब हम इसको एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है सबको। अब देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमने सोक करके रखा हुआ था ना, तो बस मैंने इसको 2 मिनट के लिए माइक्रो कर लिया था माइक्रोवेव में, तो उससे क्या अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और सारा जूस सोक कर लेते हैं। हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
फ्लावर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे क्या है कि ड्राई फ्रूट सारे कोट हो जाएंगे तो हमारे केक में पूरे में इवनली हो, मतलब पूरे में केक में होएगा, वरना नीचे बैठ जाते हैं, इस तरीके से नहीं होगा, पूरे केक में अच्छे से होएंगे। अब हम इसमें हमने दूध और कैरेमल और ऑयल सब जो मिक्स करके रखा था, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। अच्छे से हमें मिक्स करना है इसको। अब हमने बाकी बचा हुआ भी डाल दिया, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा केक बैटर बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर विनेगर डालेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे। विनेगर डाल के ही और हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विनेगर डालते ही ये एकदम से रिएक्ट करता है केक बैटर, देखिए इस तरीके से इसमें बाउंस आ जाता है। और अच्छे से हमें मिक्स करना, और हमें वेट नहीं करना, तुरंत जल्दी से मिक्स करके हमें केक टिन के अंदर डाल देना है इस बैटर को। केक बैटर बनके तैयार हो चुका है, देखिए इस तरीके, इतना ही थिक चाहिए हमें केक बैटर। अब हम केक टिन लेंगे और इसमें हम केक बैटर को पूरा डाल देंगे। जल्दी से फटाफट से करना है हमें ये सारा प्रोसेस, बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, हमें वेट नहीं करना होता। देखिए इसको इसमें केक टिन में डालेंगे। केक बैटर भी डल चुका है, और इसको एक बार टैप कर देंगे हल्का सा, एक दो बार, और ऊपर से हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हमने सोख किए हुए बचा लिए थे, अब वो भी हम ऊपर से डाल देंगे, और हम इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डाल देंगे। प्लम केक है, प्लम केक में तो ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे ही लगते हैं, तो वो हमने इसमें ऊपर से डाल दिए हैं। ओवन तैयार किया था अपना पतीले में, बस वो भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसका देखिए पानी की छींटे डाल के हमें पता चल रहा है ना कि अच्छे से अच्छे से गर्म हो चुका है। और हम इसके अंदर केक को रख देंगे और इसको जल्दी से बंद करके रख देंगे अच्छे से। देखिए अभी तो हम इसकी गैस की फ्लेम को 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखेंगे, और फिर उसके बाद हम इसकी गैस को सिम पे कर देंगे। केक को हमें बार बार खोल के चेक नहीं करना है, हमें एक बार जब हमने रख दिया है तो कम से कम 30 मिनट के बाद हम चेक करके देखेंगे। देखिए हमारा 40 मिनट बाद हमने केक को चेक किया तो हमारा केक बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। हमने एक स्टिक डाल के चेक कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल भी स्टिक अच्छे से क्लीन निकली है, बिल्कुल केक हमारा अच्छे से बन के तैयार चुका है। हमारा केक बनने में 40 से 45 मिनट लगे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी केक बना है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। अपनी गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। देखिए अब हम इस केक को बाहर निकालेंगे। देखिए अब हमने इसको बाहर निकाल लिया है, और एक किचन नैपकिन से हम इसको कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। प्लम केक को हमेशा अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही कट करना चाहिए, कम से कम 4 से 5 घंटे के अंदर ये ठंडा होता है, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप ओवरनाइट इसको रख देंगे तो और भी बेटर है, अच्छे से कटिंग होती है इसकी। देखिए अब ये केक बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। अब हम इसको साइड से इसको नाइफ से इसकी चला देंगे, जिससे कहीं भी थोड़ा बहुत चिपका होगा वो भी अच्छे से निकल जाएगा। अब इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे, इसको ऊपर से हल्का सा टैप करेंगे। देखिए इस तरीके से केक निकल चुका है, इसमें बटर पेपर को भी हटा देंगे। अब इसके ऊपर से देखिए क्या स्पंजी सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ है ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। साइड के भी अब ये हटा देंगे हम, बिल्कुल बढ़िया स्पंजी केक बन के तैयार हुआ है, देखिए लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा। तो बस आप घर पे भी इस तरीके से अपना घर पे केक बना सकते हैं, प्लम सॉफ्ट बनाए ना बिल्कुल सॉफ्ट। तो बस इस तरीके से आप भी बनाइए अपने घर पे प्लम केक। कटिंग करेंगे इसकी, बिल्कुल सॉफ्ट केक बनाए, नाइफ से कट करेंगे इसको, देखिए बिल्कुल बढ़िया ड्राई फ्रूट्स, क्या बढ़िया केक बनके तैयार हुआ। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल सॉफ्ट, कटिंग करने से ही आपको पता चल रहा है कितना सॉफ्ट केक है। ये हमारा केक बनके तैयार हो चुका है, अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। लग रहा है ना कितना बढ़िया केक। देखिए हमने तो क्रिसमस के लिए अपने घर पे केक बना लिया है, अब आप भी बनाइए अपने घर पे केक, आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स बच्चों के साथ हर किसी के साथ एंजॉय कीजिए। ओके बाय, थैंक यू, मैरी क्रिसमस।